नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, भारतीय सीमा में घुस रहा था। राजौरी में आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। सेना के अधिकारियों ने गुरुवार यानी 1 अगस्त को बताया कि घुसपैठिए को बुधवार रात 11 बजे खोरा पोस्ट के पास भारतीय इलाके में घुसते देखा गया था। बीएसएफ जवानों की चेतावनी के बाद भी घुसपैठिया नहीं रुका, जिसके बाद फायरिंग में वह मारा गया। सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि घुसपैठिया भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पार कर रहा था, जो बॉर्डर प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। घुसपैठिए की पहचान और मकसद का पता नहीं चल पाया है, अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। राजौरी जिले के कलाकोट इलाके में पुलिस और सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकी ठिकाने का पता किया है। रात भर चले सर्च ऑपरेशन में एक AK राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय राइफल की रोमियो फोर्स ने मंगलवार यानी 30 जुलाई को पुंछ जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से एक विदेशी पिस्तौल भी मिली है। पाकिस्तान में एक्टिव एक व्हाट्सएप नंबर का भी पता लगा है, जिसके जरिए एक हैंडलर मोहम्मद खलील को काम सौंप रहा था। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जाँच की जा रही है।